वो चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 3 और 5 पे हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि डाटा फाइल होती है, फाइल क्या होती है, ठीक है, रिकॉर्ड्स क्या होते हैं और डाटा फाइल क्या होती है। डाटा फाइल वो फाइल होती है जिसके अंदर हम लोग कोई कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स को सेव करवाते हैं। और रिकॉर्ड क्या होता है कि रिकॉर्ड डाटा होता है किसी भी एंटिटी के लिहाज से। एंटिटी क्या होती है? एनीथिंग इन द वर्ल्ड। ये हम लोग सारी चीज़ें चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। डाटा फाइल कैन बी यूज टू सेव एनी टाइप ऑफ डाटा। अब किसी भी तरह का डाटा जो होगा वो हम लोग डाटा फाइल में सेव करवा सकते हैं, ठीक है। अब फाइल्स आर स्टोर्ड ऑन स्टोरेज मीडिया, स्टोरेज मीडिया पे सेव होगी ऑब्वियसली, ठीक है। द डाटा इज स्टोर्ड इन फाइल परमानेंटली। फाइल्स के अंदर डाटा भी जो भी स्टोर होगा वो परमानेंटली स्टोर होगा नॉर्मली। अब क्या है कि यहाँ पे ये डिस्कस किया जा रहा है कि प्रोग्राम इनपुट करेगा यूज़र से डाटा, ठीक है, और उनको सेव करवा देगा किसमें, वेरिएबल्स में। जब प्रोग्राम हम लोग कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं तो क्या होगा कि जैसे ही प्रोग्राम एंड होगा तो आपके जो वेरिएबल्स होंगे वो वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, आप उस डाटा को दोबारा से एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आप ये चाहते हो कि आपका प्रोग्राम उन वैल्यूज़ को, उन वेरिएबल्स को दोबारा से, मतलब कि उस डाटे को दोबारा से यूज़ करना चाहते हो कहीं पर, तो आप क्या करो कि बजाय कि आप वेरिएबल में स्टोर करवाओ, वेरिएबल में स्टोर करवाने के साथ साथ आप डाटा फाइल में भी वो डाटा को सेव करवा दो। तो जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो कि आप लोग परमानेंटली अपने अपने डाटा को सेव करवा सकते हो, ठीक है। और इसमें यह भी फ़ायदा होगा कि आप फाइल से ही डाटा लेके उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो बजाय कि आप यूज़र से वो डाटा लो, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं डाटा फाइल को यूज़ करने के। इसके बाद क्या है, व्हाट इज़ टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल क्या होती है? जिसमें हम लोग रीडेबल और प्रिंटेबल करेक्टर्स स्टोर करवाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग टेक्स्ट फाइल कहते हैं। अब जो सोर्स प्रोग्राम है वो आपकी एक एग्जाम्पल है किसकी, टेक्स्ट फाइल। तो इसमें ये है कि इसमें आपको ये एक बेनिफिट है कि आप लोग जो यूज़र है इजीली कंटेंट को रीड भी कर सकते हैं टेक्स्ट फाइल के, ठीक है, और उसको राइट भी कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं, और उसकी हार्ड कॉपी भी प्रिंट करवा सकता है। टेक्स्ट फाइल का ये फ़ायदा होता है। अब इसके बाद एक और टॉपिक है, डिफाइन अ पॉइंटर विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स के साथ पॉइंटर को डिफाइन करो, ठीक है। पॉइंटर क्या होते हैं? अब हैं वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि एड्रेस सेव करवाते हैं, ठीक है, ऑफ मेमोरी सेल। अब स्टूडेंट्स देखो, जब भी आप कोई वेरिएबल को किसी कहीं पे मेमोरी में सेव करवाते हो तो क्या होता है कि वो किसी लोकेशन पे जाके स्टोर होता है, ठीक है। अब उस लोकेशन को अगर एक्सेस करना चाहते हो या उस लोकेशन का एड्रेस लेना चाहते हो तो वो विद हेल्प ऑफ हम पॉइंटर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि वो उस लोकेशन का पता देता है आपको। कौन देता है? वो पॉइंटर देता है। इट नॉर्मली स्टोर्स द मेमरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल आर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये वही बात होगी कि मेमरी एड्रेस को स्टोर करवाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पॉइंटर यूज़ करते हैं। द डेटा टाइप ऑफ पॉइंटर मस्ट बी सेम एज डेटा। अब देखो स्टूडेंट्स, जो डाटा टाइप होगी आपके पॉइंटर्स की वो सेम होनी चाहिए जिस टाइप का डाटा उस मेमोरी ब्लॉक में सेव हो रहा है। फॉर एग्जांपल, मेमोरी ब्लॉक में किस टाइप का डाटा सेव हो रहा है? एक इंट टाइप का डाटा सेव हो रहा है, 5, ठीक है, 5 मैंने सेव करवा दिया। अब उसका जो एड्रेस होगा, ठीक है, उसका एड्रेस कुछ भी हो सकता है, FF93, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, और वहाँ पे डाटा क्या सेव है, 5 सेव है, ठीक है। तो अब एग्जांपल के तौर पे क्या है कि जिस कोई एग्जांपल इसने सॉल्व की हुई है जिसमें क्या है, सिंपली यूज़ ऑफ पॉइंटर बताया गया है, जिसमें क्या है कि एक वेरिएबल ले लिया जो कि इंट टाइप का है, क्योंकि इसके अंदर इंट के बाद स्ट्रिंग लगा है। स्ट्रिंग की वजह से आपको पता चल जाएगा कि ये जो नेक्स्ट वेरिएबल होगा वो वेरिएबल कौन सा होगा, एक पॉइंटर वेरिएबल होगा। पॉइंटर वेरिएबल मीन्स के इसमें हम लोग मेमोरी एड्रेस सेव करवाएंगे, ठीक है। और एक और वेरिएबल ले लिया नम के नाम से। नम वेरिएबल में क्या है कि एक नंबर डाटा ऐड कर दिया। कौन सा डाटा ऐड कर दिया? 25, ठीक है। अब देख लो स्टूडेंट्स क्या डिफरेंस है, जो सिंपल डिक्लेरेशन है, सिंपल वेरिएबल की डिक्लेरेशन कैसे होती है, विदाउट स्टैरिक, ठीक है, और जो पॉइंटर की डिक्लेरेशन होगी वो विद स्टैरिक होती है, ठीक है। अब जो हम लोगों ने नंबर 25 है, ठीक है, 25 नंबर जिस मेमोरी लोकेशन पे जाके सेव हुआ है उसका लोकेशन हम लोग एंड से, ठीक है, एंड
ऐसे जो लिखते हैं, ठीक है, जो करेक्टर है कीबोर्ड का, तो उससे हम लोग एक्सेस करेंगे उसका लोकेशन, उसकी लोकेशन, ठीक है, और उस लोकेशन को, उस मेमोरी एड्रेस को किसको दे देंगे, किस वेरिएबल में असाइन कर देंगे, VAR के नाम से जो वेरिएबल डिक्लेयर करवाया था, ठीक है, क्योंकि वो पॉइंटर में था। अब पॉइंटर वेरिएबल में हम लोगों ने उसका एड्रेस सेव करवा दिया, और इसी तरह से एड्रेस ऑफ वेरिएबल हम लोगों ने आउटपुट करवाया। कैसे आउटपुट हो गया, वही जो एंड नम है, ठीक है, वो आउटपुट करवा दिया। उसके बाद क्या है कि कंटेंट ऑफ उस एड्रेस के ऊपर जो कंटेंट पड़ा है, जो वेरिएबल है, वो हम लोगों ने नम सेव करवाया था। जैसे कि आपको याद हो नम के अंदर 25 था। उसके बाद एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड टू बाय वेरिएबल, ठीक है, जिस वेरिएबल से पॉइंट किया है, यानी कि जिस वेरिएबल में आपने वो एड्रेस सेव किया है, ठीक है, एज अ पॉइंटर जो वेरिएबल डिक्लेयर करवाया था वो डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। उसके बाद कंटेंट क्या है इसके अंदर, ठीक है, वो हम लोग अगर इसको उल्टा करेंगे, जैसे कि स्ट्रेरिक VAR लिखेंगे, तो क्या होगा कि उस लोकेशन के ऊपर FFFFF4, ठीक है, लोकेशन के ऊपर जो भी कंटेंट पड़ा है वो एज अ आउटपुट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 25 जो है वो डाटा है और लोकेशन के ऊपर कॉन्टेंट है। अब जो VAR है वेरिएबल, उसके ऊपर क्या होगा, ये एड्रेस होगा, ठीक है, और स्टैटिक VAR के ऊपर लोकेशन, इस लोकेशन पे क्या चीज़ होगी, आपके पास डाटा आ जाएगा। ठीक हो गया, एड्रेस जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इन प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसके बाद क्या है कि फाइल पॉइंटर के नाम से जो टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं हम। फाइल पॉइंटर्स क्या होते हैं, फाइल पॉइंटर इज अ पॉइंटर डेट रेफर्स टू अ फाइल ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज। अब ये क्या है कि वो जो पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल की थी, ठीक है, वो हम लोगों ने वेरिएबल पॉइंटर यूज़ किया था। अब जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो फाइल पॉइंटर को डिस्कस करेंगे कि फाइल्स के अंदर हम लोगों को पॉइंटर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, या फिर हम लोगों को क्या फ़ायदा कि हम लोग फाइल पॉइंटर यूज़ करें। फाइल पॉइंटर किस लिए यूज़ किया जाता है, ताकि हम लोग फाइल्स के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें, ठीक है। तो फाइल को कैसे डिक्लेयर करवाएंगे, वो डिक्लेयर करवाएंगे FILE फाइल के नाम से, ठीक है, ये सब कैप्स में लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग, ये स्टैटिक है, स्टैटिक की वजह से आपको पता चल जाएगा कि ये पॉइंटर है, ठीक है, और उसके बाद आप फाइल का नाम दे दोगे, माई फाइल। आप यहाँ पे वेरिएबल का जैसे नाम होता है ना, आप कुछ भी रख सकते हैं, इसी तरह से यहाँ पे माई फाइल की जगह आप लोग कुछ भी आइडेंटिफायर यूज़ कर सकते हो जो कि स्पेसिफाई करेगा फाइल पॉइंटर को, ठीक है। फाइल इज़ अ टाइप ऑफ माई फाइल पॉइंटर, ठीक है, और इस सिंबल्स की वजह से इंडिकेट हो रहा है कि जो, यानी कि स्टैटिक सिंबल की वजह से आपको पता चल रहा है कि जो नेक्स्ट है वो एक पॉइंटर है, ठीक है, यानी कि लोकेशन आपको पता चल रही है फाइल की, क्या लोकेशन होगी, किस लोकेशन पे जाके आपकी फ़ाइल स्टोर होगी सेकेंडरी स्टोरेज पे। ठीक हो गया, अब ये फाइल पॉइंटर की समझ आ गई। नेक्स्ट इज़ द, व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग अ फाइल इन अ सी लैंग्वेज। अब सी लैंग्वेज में हम लोग कैसे ओपन कर सकते हैं किसी फाइल को, ठीक है। तो अब ओपन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो डिक्लेयर करवाएंगे, ठीक है, फाइल पॉइंटर को, ठीक है, और फिर उसके एसोसिएटेड जो फाइल होगी उसको ओपन करवाएंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने पहले डिक्लेयर करवा दिया फाइल पॉइंटर के नाम से फाइल, ठीक है, FILE फाइल, ठीक है, और फाइल पॉइंटर, ठीक है, तो ये मैंने डिक्लेरेशन करवा दी, ठीक है, और अब इस वेरिएबल को मैं अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकती हूँ, तो ठीक है। तो फाइल पॉइंटर को मैंने किसके इक्वल रखा, एफ ओपन किस लिए यूज़ होता है कि फाइल को ओपन करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद फाइल का नेम लिख दिया, ठीक है, और उसके साथ साथ हम लोगों ने क्या कर दिया, मोड बता दिया कि ये किस मोड में फाइल ओपन हो। फाइल पॉइंटर क्या है, इट इज़ अ नेम ऑफ फाइल पॉइंटर डिक्लेयर्ड इन द प्रोग्राम, जो कि आपके प्रोग्राम इस तरह से डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ द फाइल, फाइल का नेम क्या है जो फाइल आप ओपन कराना चाहते हो, ठीक है, और उस
उसके बाद क्या है, मोड बता दो कि किस मोड में वो फाइल ओपन करवाना चाहते हो। मोड मींस कि आइदर सिर्फ आप रीड करवाना चाहते हो फाइल को, ठीक है, या सिर्फ या राइट करवाना चाहते हो, या एनी अदर फंक्शन जो कि आप परफॉर्म करवाना चाहते हो फाइल के अंदर, वो आप मोड में स्पेसिफाई करवा सकते हो, ठीक है। अब कुछ मोड होते हैं, मोड में क्या है, अगर आप लोग यहाँ पे आर लिख दोगे तो जो फाइल ओपन होगी वो इन द रीड मोड ओपन होगी। रीड मोड यानी कि आप लोग फाइल में से सिर्फ डाटा को रीड कर सकते हो, उसमें राइट ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते।